बच्चों के लिए हर एक माँ हमेशा चिंतित रहती है। बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते, बच्चे ठीक से पानी नहीं पीते, बच्चे स्क्रीन के सामने बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों की नींद नहीं होती, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स माओं की होती है। खास करके कोविड पैंडेमिक में बच्चों को जंक फूड की आदत, एक जगह पे बैठ के स्क्रीन देखना, इन कारणों से बच्चों में ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुजाता चव्हाण, कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट। टुडेज टॉपिक इज किड्स न्यूट्रिशन। टुडे आई एम गोइंग टू गिव सम इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन अबाउट किड्स न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो बात करते हैं बच्चों के हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। वो है आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिन डी। सबसे पहले तो है आयरन। बहुत से टाइम बच्चे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स या हरे पत्ते की सब्जियां नहीं खाते। इन दिस केस आप उनको हरे सब्जियों का पराठा बना के दे सकते हो। कई बच्चों को ये ग्रीन पराठा भी पसंद नहीं आता, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आप एक सूप बना सकते हो जिसमें आपको कटा हुआ पालक, कटा हुआ गाजर और कटा हुआ बीट डाल सकते हो। उसका आप एक सूप बना के उस सूप में आप आपके बच्चों की पराठे या फिर रोटी का आटा गूंथ सकते हो। इस प्रकार से क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स पालक, गाजर या बीट में है, वो सभी न्यूट्रिएंट्स इनडायरेक्टली आपके बच्चों को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप बच्चों को खाने में गुड़ दे सकते हो। गुड़ के साथ सिंगाना या फिर गुड़ के साथ चौलाई, इसका लड्डू या फिर चिक्की या फिर प्रोटीन बार आप उनको बना के टिफिन में या फिर इवनिंग स्नैकिंग में दे सकते हो। मॉर्निंग में आप बच्चों को सबसे पहले भिगोए हुए किशमिश, अंजीर या फिर घी में भिगोए हुए डेट्स दे सकते हो। दिस ऑल थिंग्स विल टेक केयर ऑफ आयरन फॉर योर किड। दूसरा न्यूट्रिएंट है कैल्शियम। कैल्शियम की अगर बात करें तो हमें दूध ये एक ही सोर्स दिखाई देता है, लेकिन दूध की वजह से बहुत से टाइम बलगम होने के चांसेस होते हैं या फिर बहुत से टाइम बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस रहते हैं। बहुत से टाइम्स दूध की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। दूध के बदले आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें भी चौलाई या राजगिरा की सब्जी या फिर राजगिरा के लड्डू, बादाम, तिल के लड्डू अगर बच्चों को देते हो तो उससे भी बहुत सारा कैल्शियम बच्चों को मिल सकता है। तीसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। राइट फ्रॉम 6 ईयर्स टू 12 ईयर्स उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है वो होता है 20 to 25 grams। तो आप सोच लो कि बच्चों को 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है या नहीं। अगर आपको वो 20 to 25 grams ऑफ प्रोटीन बच्चों को देना है तो एटलीस्ट 2x पर डे बच्चों को डाइट में देने होंगे। और अगर आप वीगन हो, शाकाहारी हो, तो अंडों के बदले आप उनके डाइट में चौलाई या राजगिरा ज़रूर रख सकते हो। चौलाई के साथ साथ आप सभी प्रकार की दालें और लिग्यूम के स्प्राउट्स भी आप बच्चों को दे सकते हो। फोर्थ न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। अगर समर की बात करें या फिर विंटर की भी बात करें तो बच्चों को धूप में खेलना चाहिए, उससे उनकी विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकेगी। उसके साथ साथ आप बच्चों को पनीर, घी, मशरूम्स खाने में दे सकते हो। इट विल टेक केयर ऑफ द विटामिन डी रिक्वायरमेंट ऑफ योर किड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ए, विच विल सपोर्ट द आई हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड। तो विटामिन ए के लिए आप बच्चों को खास करके फलों में पपाया दे सकते हो। अगर बच्चों का गट हेल्दी रहेगा तो बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। तो गट हेल्दी रहने के लिए प्री प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत है। तो बच्चों को अगर कर्ड या दही पसंद है तो आप उनको खाने में दही ज़रूर दे सकते हो। उसके साथ साथ फाइबर या रफेज के लिए आप उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सलाद उनके खाने में दे सकते हो। सो इट विल एक्ट एज अ प्रीबायोटिक सोर्स। अगर आपको लगता है कि बच्चों की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रही है, उनकी हाइट उनके एज के हिसाब से आइडियल नहीं है या फिर उनका जो वेट है उनके एज के हिसाब से आइडियल नहीं है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर किड्स न्यूट्रिशन। अगर बच्चों में वीकनेस है, वो बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो कौन से टेस्ट आपको करने चाहिए? आपको बच्चों की हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन बी12, ये 4 टेस्ट आपको करने होंगे, ताकि अगर बच्चों में कोई डेफिशिएंसी है तो आप राइट टाइम पे वो करेक्ट कर सकते हो।
So this was about kids nutrition. If you like this video, hit the like button, share it to your friends, and don't forget to press the bell icon to get notifications of upcoming videos. Thanks for watching.